ये डिक्की कैसे खुली? यार कम ऑन गाइस, यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है और तुम लोग जाने की बात कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। यार मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट तो मिस कर दी और सारा फन भी मैंने मिस किया है, बट नो वरीज, आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। आलिया अपनी रिंग दो। क्यों? आज तुम दोनों मेरे सामने फिर से एंगेज होगे। समझ नहीं आ रहा क्या हो। एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि काश वो लासूसी ब्लैकमेलर की होती। कभी ना मेरी छोटी सी बच्ची के पीछे पड़ा है, पता है मैं कितना परेशान है। पर प्लीज रिलैक्स करो। देखो उस बंदे के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ भाई। पॉइंट ये है कि हमें उस टैटू वाले आदमी को ढूंढना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम। और हाँ, पुलिस भी इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई, वो हमें देख लिया। भाई देखो क्रिमिनल जो भी हुआ अपना सबूत जरूर छोड़ के जाता है, तो प्लीज आप आराम से रेस्ट करो, हम देखेंगे कल सुबह की बात करते हैं इस बारे में। थैंक्स यार, अगर तू नहीं होता ना तो मैं शायद टूट गया था। कैसी बात कर रहे हो भाई, वही बच्ची है हमारी और उसके साथ ऐसा कुछ भी हो हम पीछे कैसे हो सकते हैं। चल सुन रहा तुम्हें देर हो गई भाई, सुनने से बात फिर वही को चेक कर लेंगे ठीक है। नहीं चल चला कि मैं घर पे ही नहीं थी और मैं उस ब्लैकमेलर से मिलने गई थी। मैं पापा को कुछ भी नहीं बता सकती, मैं अपना डर भी नहीं दिखा सकती, वरना उन्हें पक्का शक हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं पापा को कुछ भी नहीं बता सकती। आदि कम ऑन प्रपोज हर। कम ऑन आदि यार। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को ना एक लंबा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। एंड आई प्रॉमिस ये अलग होने की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम मेरे लिए क्या हो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ दूर मेरे साथ चलो, मैं सारी कहानी कह दूंगा। जो बात नजरों से नहीं समझा पाए वो मुंह जबानी बता दूंगा। आलिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। I love you. ये कैसा प्यार है तुम्हारा आदि, जो बार बार मुझे हर्ट कर रहा है, मेरा दिल दुखा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आलिया कि शायद तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पा रही हो? तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। बिल्कुल हमारी तरह। हम भी तो परफेक्ट है यार।
आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए. इट्स टू लेट. तब तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? अपनी फियांसे को ड्रॉप करेगा? हाँ. थैंक यू सो मच. बाय. बाय. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. सी यू. तो मिस्टर भल्ला, कैसा लगा आपको सरप्राइज? सरप्राइज? कौन बोल रहा है? मैं मिसेस जाफर बोल रही हूँ मिस्टर भल्ला, पीहू की फ्रेंड मिताली की मॉम. मैं आपके कॉल का वेट कर रही थी. आपने कॉल नहीं किया तो मैंने सोचा कि मैं ही कॉल करके पूछ लूँ. कैसा लगा आपको सरप्राइज? मैं समझा नहीं कौन सी सरप्राइज की बात कर रही है. अरे पीहू. पीहू क्या हुआ? क्या आप मिले नहीं उससे? मैंने कल ही उसे आपके घर पे ड्रॉप किया मिस्टर भल्ला. मेरे घर? लेकिन वो तो आज आने वाली थी ना, तो कल. हाँ वो एक्चुअली आज ही आने वाली थी. उनका बीच में एक स्टॉपओवर था पर उन्होंने वो स्किप कर दिया, इसलिए सभी बच्चे कल शाम को वापस आ गए. पीहू आपको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए उसने टीचर को बोला कि आपको कॉल ना करे. पीहू यहाँ पर है मेरे घर? हाँ. आप अभी तक उससे मिले नहीं मिस्टर भल्ला? नहीं एक्चुअली शायद मैं कल रात को बहुत देर से आया था तो वो सो गई होगी. मैं अभी चेक करता हूँ. थैंक यू. मतलब पीहू घर पे किसी ने मुझे बताया भी नहीं. पीहू? पीहू? ओ रमन. पीहू ने तो आ जाना है पुत्र. अभी तेरे पापा जाएंगे उसको स्कूल से लेने के लिए. अरे नहीं माँ, पीहू कल ही आ गई है यहाँ पर. आ गए थे? हाँ. की गल कर रहा है? तुमने देखा उसे, तुमने सुलाया उसे? नहीं चीजू, मुझे नहीं पता. अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, स्कूल वालों ने इन्फॉर्म भी नहीं किया हम. अरे नहीं बेटा, पीहू हमें सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए उसकी फ्रेंड की मम्मी ने उसे कल रात को यहाँ ड्रॉप कर दिया. मुझे लगता है बेचारी थक गई होगी तो चुपचाप सो गई होगी. कहाँ चली गई पीहू? अपने कमरे में नहीं है. तूने उसे घर में नहीं देखा कहीं? भाई तू ही सो रही थी तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन पीहू वहाँ पर भी नहीं है. अरे अब्बा कल आ गई थी ना, फिर किधर गई? पता नहीं किसी ने शायद वॉचमैन से पूछा. संतोषी येना चे, कुछ परेशानी है? हाँ यार बड़ा रौला पै गया. कल स्कूल वालों ने ना पीहू को घर पे ड्रॉप कर दिया था मगर वो पूरे घर में कहीं भी नहीं है. मुझे पता है. हाँ? वो कल आ गई है, वो मेरे घर पर है. अम्मा पीहू आपके घर पे? आप हमें अब बता रही हैं? रमन रमन ऐसा नहीं है. पीहू मेरे घर आए रात को और बोली पार्टी में तुम्हारे साथ रह जाऊं, मुझे कल मॉर्निंग में सबको सरप्राइज देना है. तो यार तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अब भी बोलने के लिए आई. चलो सरप्राइज है क्या? हार्ट अटैक है. चल मैंने अपने बच्चे से मिला. पापा है यहाँ, आंखें खोलो. आप पाती के घर पे हो, बैड ड्रीम देखा आपने? पापा है यहाँ बेटा, क्या हुआ? पापा, पापा, पापा. चलो एक काम करो, पापा के साथ चलो. मैं सरप्राइज हो जाएगी. नहीं, डॉक्टर को फोन कर. हाय मेरे बच्चे को क्यों है? कुछ नहीं कुछ नहीं माँ, उसे थोड़ा सा बुखार है. अरे पीहू क्या हो गया? मामा नहीं है तो कि... नहीं भाई इशिमा नहीं, वो मुझे लग रहा है वो शगुन को याद कर रही है, वो मम्मा मम्मा बोल रही है. आदि हाँ तो सही है. आदि शगुन को फोन कर. पापा पहले पीयू को घर ले चलते हैं उसके बाद. आदि मैंने कहा ना शगुन को फोन कर. हाँ. एक्चुअली जाओ उसे लेकर घर. पापा डॉक्टर को फोन कर. चल चल मैं करके. सुबह सुबह फिर से मेरी इंसर्ट करने आए. आदि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है. रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू. और प्लीज ये मत बोला कि तुम मुझे सॉरी बोलने आए हो. आई डाउट दैट. आई रियली डाउट दैट. ओह हेलो
एक्सक्यूज मी, सॉरी बोलने भी नहीं आया हूँ, शगुन मामा से मिलने के लिए आया हूँ, उन्हें बुला दो। अगर शगुन आंटी से मिलने आया हो तो मैं तुमको बता देती हूँ कि शगुन आंटी घर पे नहीं है, वो अपने अंजू के काम से बाहर गए हैं, आई थिंक वो अपना फोन भी घर पे भूल गए हैं एंड शी विल बी लेट। ठीक है फिर, मेरा यहाँ पे क्या काम? ओके। पर हाँ, नाउ व्हाट? जब भी शगुन मामा आए ना तो उन्हें ये बता देना कि पीहू की तबीयत खराब है, उसे फीवर हो गया, उसने कोई बुरा सपना देख लिया, और पापा ने मुझे इसीलिए यहाँ पे भेजा है कि शगुन मामा को मैं ले आऊँ, क्योंकि शिमा भी नहीं है। वेल, बस इतनी मेहरबानी कर देना, शगुन मामा को मैसेज दे देना। आदि सुनो, पीहू की तबीयत ठीक नहीं है, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, वैसे भी पीहू की मेरे साथ बहुत बनती है, आई थिंक कल काम। नहीं नहीं, रहने दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, मेहरबानी आपकी, आप यहीं पर ही रहिए, वहाँ पे है लोग देखने के लिए। एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उस घर में मैं तुम्हारे लिए जा रही हूँ? मैं तुम्हारे लिए नहीं जा रही हूँ, मैं पीहू के लिए जा रही हूँ, और तुम शायद भूल रहे हो कि उस घर में और भी लोग हैं जिनके साथ अभी भी मेरा रिश्ता है, मेरा ब्रेकअप तुम्हारे साथ हुआ, उनके साथ नहीं हुआ। अरे मुझे पता है यार, मेरे साथ ब्रेकअप हुआ है, प्लीज वहाँ पे जाके ना किसी के सामने कुछ मत बोलना इस बारे में। एक मिनट आदि, तुम्हें मैं इतनी इमेच्योर लगती हूँ क्या? मैं, मुझे पता है किसके सामने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है, मैं वहाँ जाके सबके सामने ढिंढोरा नहीं पीटूंगी, सुनो सुनो हमारा ब्रेकअप हो गया है, मुझे पता। एनीवे मुझे और बहस नहीं करनी है, यू जस्ट वेट, आई विल गेट माय बैग। विक्रम जी, मुझे दिल्ली तक लिफ्ट देने के लिए थैंक यू सो मच, वरना मुझे कोई टैक्सी ही नहीं मिल रही थी वहाँ वापस जाने के लिए। इट्स ओके, एक्चुअली मेरी खुद की टैक्सी हायर कंपनी है, जब टीचर का फोन आया तो मैं इसी लोकेशन में था, मैं सोचा मैं दिल्ली जा ही रहा हूँ, क्यों ना मैं आपको लेते हुए चलूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, आप अंदर ही बैठिए, मैं देखता हूँ। गाड़ी भी अभी खराब होनी थी, एक तो रमन को मैंने बताया भी नहीं, ऐसे अचानक निकल कर आ गए, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा, मुझे बस जल्दी से रूही के पास पहुँचना है। क्या हुआ? इंजन जवाब दे गई है, मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, यहाँ आसपास कोई गैरेज है, मैं उसे देखता हूँ। मिलेगा कोई मैकेनिक आसपास? हाँ मिल सकता है, आप अंदर ही रहिएगा, कार का दरवाजा आप अंदर से लॉक कर दीजिए। जी। माय गॉड, इतना कुछ हो गया, मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं, मुझे इनसे मालूम पड़ रहा है। मनी वो एक्चुअली इंस्पेक्टर, आप कह रहे हैं कि ब्लैकमेलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है और उसने एक मर्डर कर लिया, दिस इज डेंजरस, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ऑफ कोर्स, आपको जो हेल्प चाहिए आप कहिए, मैं उस हाउसकीपर से भी दोबारा बात करती हूँ, और वो जो हीटर ठीक करने वाला आया था उस कंपनी का नंबर भी आपको टेक्स्ट कर देती हूँ। थैंक यू मिसेस शगुन, आप मुझे वो नंबर मैसेज कर दीजिए, अगर कोई जरूरी काम हुआ तो मैं कल आपको पुलिस स्टेशन बुला लूंगा। मनी, शगुन तुम्हारे मनी के भी सब ठीक है ना, कहीं उसे भी छोड़ने जा रहा था तो नहीं? अपने काम से काम रखो रमन, मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम्हारा और इशिता का रिश्ता कैसा चल रहा है? नहीं ना, then please stay out of it। क्या पूछोगी तुम, हम दोनों एडल्ट मैच्योर्स हैं, भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं दूसरे से। मुझे ज्ञान देना बंद करो, एंड डोंट ट्राई टू बी ओवर फ्रेंडली, हम दोस्त नहीं है, मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ एंड तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, दैट्स इट। और मैं ये सब जो कर रही हूँ ना, सिर्फ रूही के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है। Now for God's sake, go. Hello, get one thing clear. तुमसे दोस्ती करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। बदकिस्मती मेरी है कि तुम रूही की माँ हो। और जब तक ये ब्लैकमेलर पकड़ा नहीं जाता, मुझे मजबूरन तुमसे वास्ता रखना पड़ेगा। That's it. And thank you कि तुम पीहू को देखने के लिए एनजीओ से यहाँ तक आई। अगर इशिता होती तो शायद उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। Just hope कि वो ब्लैकमेलर जल्द से जल्द मिल जाए।
मिल गया क्या मैकेनिकली? मैकेनिक मिला? आपको मैकेनिक नहीं मिला? यहाँ आसपास कोई गैरेज नहीं है, जो फॉल्ट है वो मैंने रिपेयर कर दिया है। आइए बैठिए, चलते हैं। अच्छा ठीक हो गई मतलब? एक मिनट, आपके हाथ से खून निकल रहा है बहुत ज्यादा, दिखाइए। बस काम करते करते जरा कट लग गया, कोई सीरियस नहीं है। मैं रुमाल लेके आई। हाँ है ना, दीजिए, दिखाइए मुझे। I'm sorry, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए आदत से मजबूर हूँ। I'm sure इससे घाव आपका कवर्ड रहेगा और आप आराम से गाड़ी चला पाएंगे। आइए मैडम, आपका घर आ गया। थैंक यू। वो मेरे पास ना कैश नहीं है आपको पे करने के लिए, मैं बाहर से फोन करके कैश मंगवा लेती हूँ। हाँ स्वरा, पहुंच गई हूँ मैं। तुमने तैयार रखा है ना सब कुछ? हाँ आ जाओ आ जाओ, वॉचमैन है ना साथ में, लेकर आओ फटाफट आओ। मैम ये लीजिए। विक्रम जी एक मिनट बाहर आइएगा। ये क्या हो रहा है, कौन है ये? स्वरा वॉचमैन, पकड़ लो इन्हें, जल्दी जल्दी पकड़ो इन्हें। अरे क्या हो रहा है, क्या जबरदस्ती है? विक्रम बैल जी कुछ नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने देखा कि आपको रस्टी मेटल से चोट लगी है और आपको इन्फेक्शन नहीं होने दे सकती मैं। I'm sorry, ये मेरे बस की बात नहीं है। पश्चिम जी मैंने बोला आपको, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं जानती हूँ कि आप नहीं लगवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने मेरी असिस्टेंट को यहाँ इस टिटनेस के इंजेक्शन के साथ बुलवाया है। अब देखिए चारा तो आपके पास है नहीं, आप लगवा लीजिए प्लीज। नहीं पर मैंने कहा, मैंने आपको बच्चे के लिए क्या? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आपको पता नहीं है मैं बहुत ही जिद्दी हूँ। आप नहीं मानेंगे मैं तो भी इंजेक्शन लगाऊंगी, गलत लगेगा आपको और ज्यादा चोट लग जाएगी। अब आपके हाथ में, आप चुपचाप लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? जैकेट निकालो ना इनका, जैकेट निकालो प्लीज। जैकेट प्लीज, ऐसा मत करो मेरे साथ। इंजेक्शन लगा लीजिए। नहीं नहीं, इंजेक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। बहुत दर्द कराया आपने, ये नहीं, ये ठीक नहीं किया है आप। बहुत दर्द कराया आप। ये वही टैटू है जो उस ब्लैकमेलर के हाथ पे था। मतलब ये ब्लैकमेलर है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।